हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग ICG पर स्वागत है। आज हम फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है। देखो, पहला ऑप्शन क्या है, डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड। ये तो आपका ठीक है, यूनिट ऑफ साउंड को हम डेसिबल कहते हैं और हॉर्स पावर को भी यूनिट ऑफ पावर होता है। और नॉटिकल माइल, ये क्या होता है, डिस्टेंस का होता है, तो ये सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखो, यहाँ पे आपको लिस्ट वन में कुछ दिया है और लिस्ट टू में कुछ दिया है। देखो, ये क्या होता है, देखो ये इसका यूनिट होता है। देखो, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। और इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। तो इसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए का फोर, यानी ए का फोर एक ही ऑप्शन में है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन। देखो, आपको एग्जाम में डायमेंशन पढ़कर जाना होगा। देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया है, वर्क। देखो, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम, एल का टू और टी का माइनस टू होता है। इसी तरह पावर का क्या होता है, देखो एम, एल का टू, टी का माइनस थ्री होता है। तो ऑप्शन वन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम का क्या होता है, एम एल टी माइनस वन होता है, और मोमेंटम और किसका एनर्जी का, एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन, एम एल का टू, टी का माइनस टू होता है। तो ये हमारा सेम नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, फोर्स एंड पावर का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, और पावर का अभी बताया था, एम एल टू टी माइनस थ्री होता है। तो ये भी हमारा सेम नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं इसको। देखो, वर्क का हमारा डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू होता है। उसी तरह एनर्जी का भी डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो इसी तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर ऐड अप टू गिव ए नल वेक्टर। ये देखो, ये जो होता है, ये ऑप्शन देखो, ये रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन। ये एक प्लेन पे रहते हैं, तो थ्री वेक्टर क्या होगा, थ्री वेक्टर्स इन सिंगल प्लेन कैन नॉट गिव द रिजल्टेंट जीरो। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर। देखो, ये जो टोटल पाथ लेंथ होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर, क्योंकि नंबर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसी तरह मैग्नीट्यूड का भी क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरनल ऑफ टाइम। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
वन थ्री एंड फोर। नेक्स्ट देखते हैं द डायमेंशन एम एल टी का माइनस टू करेस्पॉन्ड्स टू, ये किसका डायमेंशन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए 5 रुपीज कॉइन, इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम देन द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पर हम किसका कंसेप्ट लगाएंगे, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट लगाएंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो होता है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ वो किस पे होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर है। वो कहता है क्या, एनी ऑब्जेक्ट्स विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ये होता है आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर, ए पर्सन स्टैंडिंग एट द मिडिल पॉइंट ऑफ ए वुडन लैडर व्हिच स्टार्ट्स स्लीपिंग बिटवीन ए वर्टिकल वॉल एंड द फ्लोर ऑफ ए रूम व्हाइल कंटिन्यूइंग टू रिमेन इन ए वर्टिकल प्लेन, द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पर्सन स्टैंडिंग एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्लीपिंग लैडर इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्कुलर पाथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है आपको, क्या बताता है आपको, एक्सेलरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ स्पीड बी एंड डिस्टेंस एस, ये चारों ऑप्शन देख लो क्या बता रहा है, फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उसका क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, नॉन लिनियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए।